हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और मुग़ल काल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको इस वीडियो के क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको ऐप में अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। सो चलिए हम देखते हैं मुग़ल काल। पहले हम डिस्कस करेंगे 1526 से लेके 1507 तक, जिसको ग्रेटर मुगल्स बोला जाता है। फिर 1707 के बाद 1857 जो है वो लेटर मुगल्स हैं, ठीक है। हम बात करें बाबर, तो बाबर के द्वारा ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है डाली गई थी, ठीक है। 1526 में ये भारत आए थे और इनके और इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोधी वंश उसके शासक थे, दोनों के बीच में पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, और तभी से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है डाली जाती है। फिर बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो कि पूछे जाते हैं, 1526 में पानीपत का युद्ध, ठीक है। 27 में हम बात करें खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसी युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, और बाबर की जनरोसिटी के कारण उसको कलंदर भी जो है बोला जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो चंदेरी का युद्ध है 1528 में लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। और घाघरा का युद्ध 1529 में, जो कि लड़ा गया बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। सारे ही युद्ध में जो है बाबर विजय हुए थे। इनकी आत्मकथा है दैट इज़ तुजुके बाबरी, जो कि इन्होंने तुर्की में लिखी थी। और हम बात करें इसका अरबी और फारसी, इसका जो फारसी में अनुवाद है, ठीक है ना, वो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अगर देखें हम हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद जो है ये शासक बने, और इनके जो भाई थे मिर्ज़ा कामरान, है ना, उन्होंने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आपको याद रखे हैं, जिसमें एक देवरा का युद्ध है जो कि 1531 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि दूसरा जो है चौसा का युद्ध है, जो कि 1539 में हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बिलग्राम का या फिर कन्नौज का युद्ध, जिसे बोला जाता है, ये 1540 में हुआ है, ठीक है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये हुआ है, और इसी के बाद इसमें हुमायूं पराजित हो जाते हैं और सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी कर लेते हैं, और हुमायूं जो है सिंध की तरफ चले जाते हैं। लेकिन 1555 जो कि यहाँ ईयर लिखा हुआ, 1555 में वापस आते हैं। सरहिंद का युद्ध यहाँ पर होता है और वापस से हुमायूं के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है, ठीक है। मुग़ल काल की राजभाषा जो है फारसी थी, और हुमायूं नामा जो हम बात करें बायोग्राफी है हुमायूं की, इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और हुमायूं की जो मृत्यु है, शेर मंडल या फिर दीन पनाह जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, ठीक है। 1556 में जैसे इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जो बेटे हैं अकबर, वो आकर के शासन जो है शासक बनते हैं। तो अकबर का जो जन्म है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1542 में ये हुआ है, जो कि कहाँ पर, अमरकोट में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अमरकोट में जो राणा वीर साल थे उनके महल में हुआ, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, और इनका राज्याभिषेक 1556 में, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। और हम अगर हम बात करें कि इनके टाइम को हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हम बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध और हल्दीघाटी युद्ध, ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो हम हेमू के और अकबर के बीच में हुआ 1526 में, ठीक है। और अकबर की तरफ से जो है बैरम खां और जो है खान जमान ने ये युद्ध लड़ा और अकबर की जीत हुई इसमें। और हल्दीघाटी का हम बात करें, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये हुआ है, और अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह के द्वारा किया गया, ठीक है।
और अकबर से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो अकबर नामा और आईन अकबरी दो बुक्स हैं, ठीक है, बायोग्राफी है अकबर की, तो अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। और हम बात करें, अकबर ने जजिया कर हटाया, अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया, ठीक है, अकबर ने जो है इबादत खाने की स्थापना की, ठीक है, 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी और 1578 में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की इसमें अनुमति दे दी थी, ठीक है। और दास प्रथा का अंत इन्होंने किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। और हम बात करें, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया। और अकबर का जो मकबरा है दैट इज़ सिचुएटेड इन दी सिकंदरा, ठीक है, दिस इज़ नॉट सिकंदराबाद, इन दी सिकंदरा जो कि आगरा के पास है। और हम बात करें, मनसबदारी प्रथा भी इन्हीं के टाइम पर थी, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जिनमें से हम बात करें बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याज़ा, फ़कीर अजरुद्दीन और फैज़ी, ठीक है, इनके नाम याद रखिए। ऑलरेडी मैंने इन पर वीडियो बनाया हुआ है, 5 मिनट जीके जो हमारा चैनल है, आपने नहीं देखा तो जा कर के देखिए। और हमारे ऐप के बारे में मैंने आपको बताया, जल्दी से आप इसको इंस्टॉल कीजिए, डेली क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्री PDF आपको वहाँ पर मिलेगी, OSP नोट्स आपको सबसे यूनिक फीचर यहाँ पर जो है, ठीक है, सारे ही जॉब अलर्ट, सारी वीडियोस के जो ऑडियो रिवीजन है सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर, जो कि अकबर के बेटे थे, इनका नाम सलीम भी था। 1605 में इन्होंने गद्दी पर ये बैठे थे, ठीक है, मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके, ठीक है। और इनका जो जन्म है 1569 में हुआ था, ठीक है, और इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अबुल हसन एक फेमस चित्रकार रहे हैं इनके टाइम के, और इनकी जो वाइफ थी शी वॉज़ मेहरुन्निसा नूर जहाँ, दोनों ही नाम याद रखिएगा, जो कि ईरान के निवासी थे, मिर्ज़ा ग्यास बेग उनकी बेटी थी, ठीक है। और हम बात करें, सलीम के नाम से जाने जाते थे, अकबर ने जो एक सूफ़ी संत थे, ठीक है ना, सलीम चिश्ती जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा था। और जहांगीर का जो मकबरा है दैट इज़ इन दी लाहौर, और इनकी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं शाहजहाँ की तरफ। सो शाहजहाँ का टाइम तो लगभग सभी को पता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, खुर्रम जो है वो भी इन्हीं का नाम था, ठीक है। और इनकी बेगम थी मुमताज़ महल, ठीक है, जिनका जो असली नाम था दैट वॉज अर्जुमंद बानो बेगम, असफ खां की पुत्री थी ये, ठीक है। इन्हीं की रिमेम्बरेंस में अकबर ने जो है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इनके टाइम को कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किले, लाहौर का किला और उसमें जो स्थित है शीश महल, इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया, ठीक है। ताजमहल के जो हम बात करें वास्तुकार थे, ही वॉज उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब हम देख लिया। मयूर सिंहासन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हैं औरंगज़ेब, लास्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर रहे हैं ये। इनके बाद के जो इनके सक्सेसर थे सब वीक थे, हिंदुओं के खिलाफ सबसे क्रूर मुग़ल शासक इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला राजा जो है इन्हीं को बोला जाता है। जजिया कर जो कि अकबर ने हटाया था वो भी पुनः इनके द्वारा लगाया गया, ठीक है। और इन्हीं की सेना में जो है सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि देखिए ये जो है हिंदुओं के प्रति सबसे ज़्यादा क्रूर रहे, ठीक है। इसके बाद भी इन्हीं की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति रहे, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से इनको जाना जाता था। और गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु, उनकी हत्या जो है इन्हीं के द्वारा करवा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था इस वजह से। और बीजापुर 1685 में और 1687 में गोलकुंडा जो शासन था उसको इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और बीबी का मकबरा दैट इज़ इन दी औरंगाबाद, इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था।
और जो मंदिर इन्होंने तोड़वाए हैं, तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर मथुरा, काशी का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, और औरंगजेब का जो मकबरा है इट इज़ इन दी औरंगाबाद, ठीक है। हम अब बात करेंगे क्विज की, जो जो हमने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो भारत में मुगल काल की नींव किस युद्ध से डाली गई थी, आप लोगों को भी साथ साथ में कमेंट करना है। तो आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तुजुक ए बाबरी जो रचना है वो किसकी है, तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर दो तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तुजुक ए बाबरी जो आत्मकथा है वो तो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, उन्होंने लिखी है इसको खुद तुर्की भाषा में, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बाबर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका जो फारसी अनुवाद है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो बाय दी अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी, हमने डिस्कस कर लिया है, मेहरुन्निसा नूरजहाँ दोनों एक ही का नाम था, शी वॉज दी वाइफ ऑफ जहांगीर। दीन इलाही धर्म किस मुगल बादशाह से संबंधित है, तो हमने ये देख लिया था अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया था। अकबर नामा के रचनाकार कौन है, अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, आईने अकबरी भी इन्होंने लिखी। बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था गुजरात विक्ट्री की रिमेम्बरेंस में, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इट इज़ इन दी सिकंदरा। शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो शेरशाह सूरी हमने देखा था, अलग से हम इनको डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल लिया है। तो बिहार सासाराम में इनका मकबरा सिचुएटेड है। चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, कब हुआ, 1539 में, और 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का जो युद्ध है वो हुआ, ठीक है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी सत्ता बनाई, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं की मृत्यु किस भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, तो ये मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी पुस्तकालय था कौन सी, दीनपनाह। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कलानौर में। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो अकबर के काल को, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में नहीं था, तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारे ही, देखिए अबुल हसन नहीं थे क्योंकि ये जहांगीर के टाइम के एक पेंटर थे। हल्दीघाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ है, तो अकबर के सेनापति जो थे राजा मानसिंह थे। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।